हाय फ्रेंड्स, ये एक ट्यूटोरियल वीडियो है जिस पे हम कुछ गेम्स का क्लिप्स डाले हैं, जिसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे आप लोगों को कि हम कैसे खेलते हैं। अगर ऐसे सिचुएशन आए आप लोगों के पास तो आप लोगों को कैसे वो मैच हैंडल करना चाहिए, कैसे खेलना चाहिए, वही हम इस वीडियो पे आप लोगों को बताएंगे। इस थंब को देखिए, ये थोड़ा एक्सेप्शन है, ये थोड़ा ध्यान पे रखिए हम किस पोजीशन से ये स्ट्राइकर को बिठा के मारते हैं। अगर आप लोग भी इस तरह से फॉलो करो तो ये शॉट्स आप लोग भी आसानी से मार सकोगे। एक्चुअली ये गेम बहुत इजी है, अगर थोड़ा सा दिमाग पे आप रख के खेलो ना इस गेम को तो बहुत इजी हो जाता है, और थोड़ा सा कैजुअल भी खेलना पड़ता है। ज़्यादा टेंशन या फिर स्ट्रेस पे आके खेलोगे तो मिस होने का चांसेस बहुत बढ़ जाता है। तो हम बताएंगे कि थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री होके खेलो, टेंशन कम लेके खेलो, कैजुअल खेलने का ट्राई करो, तो ये गेम बहुत आसान हो जाएगा। कनेक्टिंग शॉट्स मारने के वक्त थोड़ा देख के खेलिए कि जो गोटी को आप पॉट करना चाहते हो उसका कौन सी पोजीशन पे मारने से वो गोटी जाएगा उस पोजीशन पे, दूसरा जो गोटी है उसको लगाना है तो उस गोटी को कैसे मारना है वो आप थोड़ा दिमाग पे ले लीजिए, फिर वो शॉट ट्राई करिए। देखिए कैसे मेरा थंब का जो गोटी है फंसे हुए उसको कैसे निकालते हैं। तो हर एक गोटी लेने के वक्त आप डिसाइड कर लीजिए कि नेक्स्ट कौन सा गोटी आपको मारना चाहिए, वैसे ही उस शॉट्स को आप ट्राई करें। इस गोटी को देखिए, हम थोड़ा वो थर्ड पॉकेट जो है लेफ्ट पे, टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे ले लिया, तो इसको हम थोड़ा कैजुअल और लो स्ट्रोक पे लिए। आप देखें तो ये थोड़ा आसान हो जाता है। अगर स्ट्रेस पे आके ये थोड़ा आप लोग टेंशन पे आके अगर मारो तो मिस होने का चांसेस बहुत बढ़ जाता है। ये गेम प्ले पे थोड़ा ध्यान दो दोस्तों, क्योंकि ये थोड़ा हार्ड पोजीशन है, तो थोड़ा हार्ड है इस गेम को फिनिश करना। आप लोग देखिए, फॉलो करिए हम कैसे इस बोर्ड को फिनिश करते हैं। ये कोई लकी शॉट नहीं है, ये सेकंड पॉकेट हम इसलिए किए क्योंकि सेकंड पॉकेट करने से जो स्ट्राइकर बार को टच करके इधर आते हैं तब जाके ज़्यादा फोर्स पाते हैं, इसलिए वो सेकंड पॉकेट करने से थोड़ा ज़्यादा एडवांटेज मिलता है। अभी इसको थोड़ा हल्का रिलीज करना चाहिए, ज़्यादा फोर्स से खेलोगे तो गोटी भाग सकता है इधर उधर। बस ऐसे ही दिमाग लगा के खेलो, फोर्स का एप्लीकेशन सीखो, वही बताएंगे। इसको देखो कैसे हम जो उसका पॉकेट का जो गोटी है उसको हटा के पॉट करते हैं। ऐसे ही आप लोगों को खेलना है। अब ये वाला जो कनेक्टिंग शॉट है ये देखो, ये भी आप ध्यान पे रखो कि हम थोड़ा हल्का से लिए हैं, ये गोटी भागने का चांसेस बहुत बढ़ जाता है, तो उसको भी आप लोगों को दिमाग पे लेके खेलना है कि अगर गोटी भाग गए तो इधर उधर जाके फंस गए तो वो बोर्ड आपके हाथ से निकल सकता है। इस गेम को देखो, थोड़ा डिफेंसिव खेलता हूँ हम, इस गोटी को फंसा देते और इसका जो दूसरा गोटी है वो भी फंसे हुए, तो ये रिटर्न हैंड हमको देने वाला है, ये हम कॉन्फिडेंट है। तो आप लोग भी अगर कॉन्फिडेंट हो तो आप लोग भी ऐसे डिफेंसिव खेल सकते हो आराम से। तो अभी देखिए ये गेम आसान हो गया मेरे लिए, क्योंकि उसका दोनों गोटी उधर फंसे हुए, तो हम भी थोड़ा टेंशन फ्री होके खेल सकते हैं इस गेम को। तो नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस पे हम ऐसे जो डिफेंसिव खेल जो है कैसे खेलना चाहिए उसका जो टिप्स वीडियो होता है वो भी हम डालने वाले हैं, तो उसके लिए वेट करिए। और चैनल पे अगर आप नए हो
तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए भाई। मेहनत से वीडियो बनते हैं, आप लोगों को पता होगा, ये हम बार बार बोलते हैं, अच्छा भी नहीं लगता इतना बार बोलने से। तो प्लीज़ भाई थोड़ा सपोर्ट कर दो चैनल को। सब्सक्राइबर्स काउंट बहुत ही कम है और जो ग्रोथ है वो भी बहुत कम हो रहा है, और मेरा जो सब्सक्राइबर्स काउंट का जो बहुत सारे लोगों ने बोला है कि सब्सक्राइबर्स काउंट शो नहीं कर रहा है, तो वो थोड़ा सेटिंग्स पे थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है शायद यूट्यूब का। तो हम ट्राई किए बहुत बार, शायद वो जल्दी फिक्स हो जाए। इस गेम को देखिए, ये हम कोटी को कैसे लिए। अभी मुझे लगता है कि जो बीच में जो तीन चार मेरा जो गोटी फंसे हुए है वो निकलना थोड़ा हार्ड है। तो हम क्या करते हैं, इसका जो गोटी है इसको पॉट करके इसको एक हैंड हम देते हैं। तो अगर आप फुल कॉन्फिडेंट हो तो ही उसको हाथ दो, मतलब चांस दो, नहीं तो मत दो, कोई दूसरा तरीका ढूंढो खेलने का। क्योंकि अभी सभी को पता है कैसे खेलना चाहिए, कैसे फिनिश करना चाहिए। तो अगर हाथ जाए तो वो चांस नहीं मिलता है 100%, मतलब 90% चांस नहीं मिलता है। तो वो थोड़ा ध्यान पे रख के खेलो और टेंशन मत लो। हम जब तक है तो आप लोगों को टेंशन लेने का कोई बात ही नहीं है, क्योंकि हम एक वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर कैसे डिफेंसिव खेल खेला जाता है, ओपोनेंट का जो गोटी है उसको कौन सी पोजीशंस पे रखने से डिफेंसिव खेल तैयार होता है, वो हम सब सिखाएंगे आप लोगों को। इसके लिए आप बने रहो मेरे चैनल पे। अभी जो बात हुआ, फिर से हैकर्स आ गए भाई, तो थोड़ा सावधानी से रहो। आज सुबह ही हमको सिंगापुर पे एक हैकर मिले, थोड़ा दूसरे रूप लेके आए, वो थोड़ा दूसरे प्रोसेस से आए, तो थोड़ा केयरफुल रहो। और हाँ, मिनी क्लिप के जो मतलब प्ले स्टोर का जो कैरम पुल का पेज है उस पे जाके आप लोग रेटिंग गिरा दो इस गेम का। अगर नहीं गिराओगे तो इन लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हम बार बार से ये आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि इसका रेटिंग गिराओ गेम का, फिर जाके ये सब बंद होगा, नहीं तो ये सब चलता रहेगा। तो प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों के पास, अगर आप गेम को पसंद करते हो, गेम को खेलना चाहते हो फ्यूचर में, तो प्लीज़ जाके रेटिंग गिराओ। बाद में आप रेटिंग चेंज भी कर सकते हो, अगर आप अभी एक रेटिंग दो वो बाद पे एडिट करके आप 5 भी कर सकते हो। अभी के लिए बस एक कर दो, अभी रेटिंग गिरेगा तो ये लोग कुछ काम करेगा, नहीं तो नहीं करने वाला ये कुछ। तो प्लीज़ जाके उस पर रेटिंग गिराओ, और रिव्यू पे थोड़ा उल्टा सीधा मत लिखो, थोड़ा लिख दो और गेम या घटिया गेम ऐसा कुछ लिख दो, गाली वाली मत दो, बार बार से हम बोल रहे। तो ये थोड़ा कर दो, शायद ये प्रॉब्लम्स जो है फिक्स हो जाए जल्दी से। तो इस वीडियो पे इतना ही, लास्ट में एक ब्रेक टू फिनिश है सिंगापुर में, अच्छा फिनिश है उसका, तो देख लो, एंजॉय कर लो, और मिलते हैं अगले वीडियो पे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, टेक केयर फ्रेंड्स। I can see the light, but I can also see the bones get it.